हरियाणा में शनिवार को विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बड़ी संख्या में वोटर पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग और पहली बार वोट करने वाले मतदाता भी काफी संख्या में पहुंचे हैं। करनाल में फर्स्ट टाइम वोटर बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो आम आदमी के लिए काम करे। कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मुझे यही है कि कॉलेजेस में जो सुधार आए, एक डिसिप्लिन हो, एक वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्टडीज टीचर अच्छी करवाएं और बच्चे, ऐसे मेरे मुद्दे हैं कि वो चीज में अच्छे अच्छे चेंजेस आए। जो हमारी सरकार है वो बहुत अच्छी आए कि भी हमारे बारे में सोचे, क्या कहते हैं, मेडिकल लाइन के बारे में सोचे। पहले से वैसे काफी सुधार भी है, पर आने वाले टाइम के लिए और भी क्या कहते इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। उधर बुजुर्ग मतदाताओं ने शासन में सुधार और प्रदेश में विकास की मांग की है। वोट डाल दिया जी, सोच के वोट डाला भाई, हमारा विकास हो, सुधार हो, और कई सालों से हमारा कोई सुधार नहीं हो रहा। गली मोहल्ले कच्चे पड़े हैं, नालियां कच्ची पड़ी हैं, गंदगी मोहल्ले के अंदर रहती है, कोई सुनाई नहीं करता। डाला जी, हमने सोच के डाला जी, काम जनता को मतलब कुछ सुझाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, कुछ हमने इसको देख ली सरकार, दूसरी सरकार देखना चाहते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 20,600 से ज्यादा वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां 2 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।